उत्तर प्रदेश के संभल में जब गांव के दबंग दलित बेटी की शादी में रोड़ा बने तो पुलिस मददगार बनकर सामने आई। भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच दूल्हा बारात लेकर दलित लड़की के घर पर शाम से पहुंचा। दलित परिवार ने गांव के प्रधान और यादव जाति के कुछ लोगों पर गांव में बारात ना चढ़ने देने की धमकी देने का आरोप लगाया था। पुलिस सुरक्षा में गांव में शादी को देखने के लिए बड़े पैमाने पर भीड़ भी जुटी। दरअसल मामला गुन्नौर थाना क्षेत्र का है। यहां घुघैया गांव में बीते मंगलवार को वाल्मीकि जाति के ऋषिपाल की बेटी की शादी थी। ऋषिपाल की पत्नी शीला ने दो दिन पहले थाने में एक प्रार्थना पत्र दिया था। इसमें उन्होंने ग्राम प्रधान और यादव जाति के एक दर्जन से ज्यादा लोगों पर बेटी कविता की बारात गांव में ना चढ़ने देने की धमकी देने का आरोप लगाया था। ग्राम प्रधान और दबंगों की धमकी से परिवार दहशत में था। शीला की बेटी कविता की शादी 7 फरवरी को थी। शादी के चलते परिवार कई दिनों से तैयारियों में जुटा था। घर में बड़ी संख्या में रिश्तेदार भी आ चुके थे। वर पक्ष के लोगों ने भी गांव में धूमधाम से बारात से चढ़ाने की तैयारी कर रखी थी। शिकायत सामने आने के बाद जिले के एसपी चकेश मिश्र ने मामले की जांच कराई थी। हालांकि पुलिस की जांच में महिला के आरोपों की पुष्टि नहीं हो सकी थी, लेकिन एसपी ने एहतियात के तौर पर गांव में बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई थी। बारात के दौरान भी पुलिस को गांव में ऐसी कोई अराजकता देखने को नहीं मिली। गांव में कविता की बारात धूमधाम से चढ़ाई गई। संभल में एक बेटी की बारात को पुलिस की ओर से दी गई सुरक्षा ने एक मिसाल पेश की। योगी शासन में पुलिस सबके लिए एक बराबर है, इसका भी संदेश दिया गया।